तो आज की सीधी बात विद अ लिटिल बकवास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिवा के बारे में। तो एक्टिवा के दो वेरिएंट आते हैं आपके, एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125। तो इन दोनों ही वेरिएंट के बारे में आज हम लोग बढ़िया से बात करेंगे, इनके फीचर्स जानेंगे, ऑन रोड प्राइजेस जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे, लुक्स एंड कम्फर्ट, वेरियंट, ग्राफिक्स, ऑन रोड प्राइजिंग, मेंटेनेंस, XYZ, सारी चीज़ें जो है आपको एक्टिवा से रिलेटेड आज की हमारी इस वीडियो में देखने के मिल जाएगी। बिकॉज मेरा नाम है साहिब सिद्दीकी, मैं रोलिंग पिस्टन से हूँ और आप लोगों को करता हूँ क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग हमारा वीडियो, और सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं इन मोटरसाइकिल के वेरिएंट्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं 6G पे, तो 6G में हमारे कितने वेरिएंट्स आते हैं सर? 6G में सर दो वेरिएंट है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, और दोनों के अंदर जो मेजर फ़र्क है वो हेडलैम्प का फ़र्क है। स्टैंडर्ड के अंदर हैलोजन लाइट है और डिलक्स के अंदर LED वाइट लाइट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दोनों वेरिएंट के अंदर सिर्फ यही चेंजेस है। अब वहीं हम 125 के ऊपर आ जाते हैं, तो एक्टिवा 125 के जो है सर हमें कितने वेरिएंट्स मिलते हैं? तीन वेरिएंट मिलते हैं सर। ठीक है सर, ड्रम ब्रेक, एक अलॉय व्हील, एक अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक। ठीक है, ये टॉप मॉडल है। ठीक है, ये हमारा अलॉय विद डिस्क है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है? इसके अंदर जो है हमें डिस्क मिल रहा है, अलॉय मिल रहा है, LED DRL यहाँ पर मिले जा रहे हैं, यहाँ पर हेडलैम्प LED मिला जा रहा है, डिजिटल मीटर मिला जा रहा है, इसमें साइड स्टैंड का टॉप स्विच मिला जा रहा है आपको। ठीक है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिला जा रहा है बेसिकली आपका। तो ये सारे फीचर जो है आपके टॉप वेरिएंट में आते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम उससे नीचे वाले वेरिएंट में जाते हैं, मिडिल वाले में जाते हैं जिसमें आपको डिस्क नहीं मिलता है बट अलॉय मिलता है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की कमी हो जाती है? डिस्क ब्रेक, ठीक है, डिस्क ब्रेक और आइडलिंग स्विच, ये दोनों चीज़ें नहीं, स्टार्ट साइड मिलेगा उसमें भी, ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम। ठीक है, अब उसके बाद में हम इससे बेस वाले वेरिएंट पर आ जाते हैं। अब बेस वाले वेरिएंट में हमें क्या क्या नहीं मिलेगा सर? बेस में आपको हेडलैम्प LED लाइट नहीं मिलेगा, ये हमें हैलोजन मिलेगा बेस में। ठीक है, आपको डिस्क नहीं मिलेगा, अलॉय नहीं मिलेगा, अलॉय नहीं मिलेगा, आपको ड्रम मिलेगा सेम, ऐसा ड्रम मिलेगा ऐसा सेम। ठीक है, ये देखिए ऐसा सेम ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे आपको, और हमें क्या चीज़ आइडल डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, डिजिटल भी नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में हम लोग को। आइडलिंग स्विच नहीं मिलेगा आपको, आइडलिंग स्विच नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला करके इसके आपके एक्टिवा 125 के आपके तीन वेरिएंट आते हैं और एक्टिवा 6G के जो है आपके दो वेरिएंट आते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है इन दोनों स्कूटर के लुक्स एंड कम्फर्ट। मुझे तो स्कूटर के लुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश स्कूटर कह सकते हैं हम इसे, जो कि हर एज का इंसान जो है चला सकता है। और अगर आप कंफर्ट की बात करो तो मेरे हिसाब से एक्टिवा जिस टाइप का कंफर्ट आपको प्रोवाइड कर देती है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम स्कूटर है। 107 किलो की गाड़ी है सिर्फ, ये 107 kg की, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। 171 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो कुल मिला करके ये गड्ढे वड्ढे से बहुत इजीली चली जाएगी। उसके बाद में इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। उसके बाद में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो जो है थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं है, बट 100 cc के हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें, वैसे मैं चाहूँगा कि अगर इसमें डिजिटल मीटर होता है आपका एक्टिवा 125 की तरह, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती, बट इसमें हमें सिर्फ टेको, फ्यूल इंडिकेटर और किलोमीटर रन जो है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक्टिवा में मिल जाती है। उसके बाद इसमें हमको आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि और जब आप की को लेफ्ट करोगे तो ये खुल जाएगा आपका बूट स्पेस, और उसके अंदर राइट करोगे तो आपका फ्यूल फिलर कैप खुल जाएगा, जिसके अंदर से आप आराम से पेट्रोल डलवा सकते हो। तो ये हो गया हमारा लुक्स एंड कंफर्ट। उसके बाद में इसमें हमें LED लाइटिंग मिल जाती है पूरी ऑल ओवर, LED टेल लैंप भी है हमारे सर, LED टेल लैंप नहीं है ना, हमारे हैलोजन टेल लैंप होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है हमें LED का ऑप्शन मिल जाता है डीलक्स में, और हैलोजन का मिलता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट में। तो लुक्स एंड कंफर्ट की बात करो तो मेरे हिसाब से एक्टिवा जो है वो लुक वाइज काफ़ी अच्छी स्कूटर है, अगर आप कुछ सिंपल सोफिस्टिकेटेड डिसेंट टाइप की मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर लेना चाहते हो। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्टिवा 125 पर। तो अब हम लोग एक्टिवा 125 पर आते हैं, अगर हम इसके लुक्स को देखें तो इसके लुक्स कंपैरेटिवली एक्टिवा 125 से थोड़ा और इन्हांस्ड लगते हैं, बिकॉज इसमें आपको चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाती हैं। जैसे कि क्या ऋषभ भाई, आप मुझे बताओ, जैसे कि हमें ये मिल गया, फ्रंट की DRL मिल गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में आपको बढ़िया से यहाँ पे लुक मिल जाता है, फिर आप पीछे ये क्रोम आपका आ जाएगा एक्टिवा 125 का,
हाँ, इसमें आपको 125 में आपको थोड़ा सा क्रोम की बैजिंग भी यहाँ पे मिल जाती है एक्टिवा के साथ लिखी हुई, तो यहाँ पे आपको वाइजर भी मिल जाता है जो कि आपको एक्टिवा नहीं मिलता एक्टिवा है में नहीं मिलेगा। जो कि एक थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है। में मिलेंगे इसमें आपको, सॉरी, फुट स्टेप भी क्रोम में। हाँ, इसमें फुट स्टेप भी जो है वो आपके क्रोम में मिलते हैं बढ़िया से। एल्यूमिनियम होते हैं, ये क्या होता है सर? एल्यूमिनियम होता है ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम के आपके फुट पैक्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली ड्यूरेबल होते हैं, थोड़े से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके बाद में अगर आप इसके रियर सेक्शन पर आओ तो रियर सेक्शन भी इसका मतलब बढ़िया है कुल मिला करके। इसमें आपको लाइट के अंदर ही जो है क्रोम में एक्टिवा की बैजिंग मिल जाती है। उसके बाद में इसकी सीट हाइट जो मैंने आपको बताया वो भी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। तो लुक्स एंड कम्फर्ट वाइज ये दोनों ही स्कूटर मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट लगती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट टू जो कि है लुक्स एंड कम्फर्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट थ्री पे जो कि है कलर्स एंड ग्राफिक्स। तो ऋषभ भाई, अब आप हमें बताओ कि इन दोनों स्कूटर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं और क्या ग्राफिकल चेंज होते हैं? पहले 6G से शुरू करते हैं। मैट्स में दो कलर हैं। ओके, कौन कौन से? एक कॉपर कलर है और एक मैट ग्रे कलर है। ग्लॉसी में ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट बेस एंड येलो। और 125 के सर कितने कलर आते हैं? बेस मॉडल में तीन कलर है, वाइट, ग्रे एंड रेड कलर। व्हाइट, ग्रे एंड रेड कलर। उसके बाद में बेस से ऊपर हम गए, बेस से ऊपर में आपके तीन कलर आपके ये रहेंगे, उसमें एक ब्लू कलर ऐड हो जाएगा आपको। ठीक है, टॉप वेरिएंट में भी सेम, टॉप वेरिएंट में भी सेम कलर। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि काफी ज्यादा बढ़िया पॉइंट है जो कि है इसका इंजन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें मिल जाता है 109 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि आपकी प्रोड्यूस करता है 7.9 PS और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाएं इसके ऊपर एक्टिवा 125 के ऊपर, 124.7 सीसी का इंजन प्रोवाइड करता है, 8.9 PS का पावर विद 10.3 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये है एक्टिवा 125 का इंजन स्पेसिफिकेशन। उसके अलावा अगर हम इस स्कूटर की टॉप स्पीड की बात करें तो स्कूटर जो है आपकी 85 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्कूटर की टॉप स्पीड हो जाती है जो कि बढ़िया है कम्यूटर स्कूटर के लिए। वहीं अगर आप एक्टिवा 125 पर आओ तो इसकी स्पीड जो है आपकी 100 तक के आराम से छू जाती है। 125 सीसी की स्कूटर है इस वजह से। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है माइलेज एंड मेंटेनेंस ऑफ होंडा एक्टिवा। सर, 6G का माइलेज जो है वो सिटी और हाइवे में क्या क्लेम करती है? सिटी में सर आपका माइलेज जो आएगा वो 50 के अराउंड आएगा। उसके बाद अगर हम इसको हाईवे पे लेकर निकले, हाईवे पे ले जाएंगे तो आपको ये 60 अराउंड मिल जाएगा। 60 के अराउंड जो है आपका एवरेज हो जाता है एक्टिवा 6G का। उसके बाद में अब हम लोग इसके मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं। फ्री सर्विस थ्री है, तीन फ्री सर्विस दोनों ही स्कूटर पर। हाँ जी, तो बेसिकली फर्स्ट थ्री जो आपकी सर्विसिंग होगी वो आपकी तीनों, जिसमें आपको सिर्फ इंजन ऑयल का पे करना होगा पैसा जो कि आपका 350 रुपये बेसिकली होने वाला है। उसके अलावा जो है अगर हमारी तीन सर्विसिंग खत्म हो जाती है तो फिर इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी होगी? पेड सर्विस आपकी आएगी इसमें 800 रुपये। हाँ जी, 800,000 रुपये की जो है आपकी मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ के अंदर आपका मैक्सिमम सर्विस हो जाएगा। अब हम लोग वहीं पर आ जाए एक्टिवा 125 पे, तो इसका माइलेज सर सिटी और हाईवे का बताइए। इसमें सिटी में आपका आएगा एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड करेगी, तो फिर हाईवे पे 55 कर देगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सिटी 45, हाईवे 55। उसके बाद में इसमें भी हमें तीन सर्विसिंग मिलती है, फ्री मिलेगा। इसमें भी मेंटेनेंस इसमें भी बिल्कुल लो है, जैसे इसमें आपको मिल रहा है। दोनों ही लो मेंटेनेंस स्कूटर है बेसिकली। अगर आप इसको भी सर्विस कराना होगा तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये में ही इसकी भी आपकी सर्विस होगी। तो ये तो हो गया हमारा माइलेज एंड मेंटेनेंस वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले और बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट के ऊपर जो कि है इन दोनों स्कूटर्स की ऑन रोड प्राइसिंग। आपके पास 6G के जो है जो भी वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग कितनी है सर? कितने वेरिएंट? दो वेरिएंट है और दोनों वेरिएंट में स्टैंडर्ड का प्राइस है 80,500, डिलक्स वेरिएंट का है 82,500। 2,000 का फर्क है सिर्फ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिवा का, एक्टिवा 110 सीसी का 6G। उसके बाद में अगर हमें इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना हो सर, इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाएगी सर आपको ये, और मिनिमम जो डाउन पेमेंट आएगी इसकी 10,000, मैक्सिमम 15,000। ठीक है, 10,000 से 15,000 रुपये में आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आप अपने स्कूटर को जो है लेकर के जा सकते हो। और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 3 साल के लिए, अगर मान ले तो 3 साल के लिए आएगा 25-26 रुपये का इंस्टॉलमेंट, 25-26 रुपये बेसिकली। ये हो गया आपका एक्टिवा 6G का पूरा हिसाब। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिवा 125 के ऊपर। अब एक्टिवा 125 जो है बेसिकली ये हमारी कितने वेरियंट, तीनों वेरियंट के प्राइसिंग सर? स्टैंडर्ड मॉडल है 84,400, मिडल है 88,400 और टॉप वेरिएंट है 92,200। ठीक है, तो हम बेसिकली हर एक मॉडल में 4,000 रुपये का आपका फर्क हो जा रहा है। ठीक है, फाइनेंस कराना चाहते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट इसकी आ जाएगी 15 से 20। ये जो स्कूटर है इसके सर बुकिंग अमाउंट कितना है और ये स्कूटर कितनी जल्दी अवेलेबल है? बुकिंग अमाउंट 1,000 रुपीज़ सर। 1,000 रुपीज़ आप बुक करा सकते हो दोनों स्कूटर? हाँ जी। ठीक है, और कितनी जल्दी अवेलेबल है? विद इन वीक में डिलीवरी मिल जाएगी आपको। एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125 अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे है?
बॉडी लाइन आपको पूरी मेटल मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। ये फ्रंट के वाइजर और ये हेडलैम्प के ऊपर का वाइजर आपको ये फाइबर में आता है, ठीक है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, ये होंडा की अपनी टेक्नोलॉजी है, इक्वलाइजर ब्रेक के साथ साइलेंट मोड पे स्टार्ट है। और ये जो फीचर्स आपको, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि किल स्विच आ गए और अपने ये मेंटेनेंस, सबसे चीज मेंटेनेंस बहुत कम है, एग्जैक्टली मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी ख़राब नहीं होती। एयर फिल्टर जो इसका 16,000 किलोमीटर पे चेंज होता है और टीवीएस की गाड़ी का वो 6,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। उसके अंदर सीट हाइट भी कम है आपकी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लंबा या छोटा इंसान, कोई भी इसको आराम से चला सकता है। उसके अंदर एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप की जरूरत थी स्कूटर में, जो कि आपको अब मिल जाता है। तो कुल मिला करके होंडा जो है एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको एक्टिवा 6G में मिली थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलती है। होंडा का भरोसा, बढ़िया रिलायबिलिटी, बढ़िया ड्यूरेबिलिटी, अच्छा इंजन, अच्छा एवरेज, ये सारी चीज़ें तो इसमें इनबिल्ट है। तो कुल मिलाकर एक्टिवा के जो है ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी फुल मेटल बॉडी। हालांकि जुपिटर 125 जो भी रिलीज हुई है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो तरुण ने उसका वीडियो जाके करा है, उसको आप देख सकते हैं। जुपिटर 125 भी जो है उसमें आपको मेटल बॉडी अब मिल रही है 125 में, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो जुपिटर को भी आप लोग शायद थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो अगर कोई स्कूटर देखना चाह रहे हो। तो ये रीज़न था जिस वजह से आपको आपकी जो एक्टिवा है ये अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि अगर हम लोग ये स्कूटर नहीं लेनी चाहिए, लाइक व्हाट आर द फॉल्ट इन दिस स्कूटर। तो एक्टिवा 6G के अंदर जो है आपको डिजिटल कंसोल नहीं मिलता, जो कि आपको दूसरी 100cc की स्कूटर में मिल जाता है बेसिकली। तो मजबूत है, रिलायबल है, सारी चीज़ें, लेकिन एडवांसमेंट में जो है थोड़ी सी कमी हो जाती है फीचर वाइज आपको, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं मिलती। उसके अलावा ग्राफिक्स जो है वो कुछ लोग, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल स्कूटर है बट इसका ट्रेडमार्क ही बन चुका है सिंपल स्कूटर का। और इसके अंदर अब एक देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, देखिए अभी ना एक्टिवा का बूट स्पेस 18 लीटर नॉट अ बैड स्पेस, बट अब भी थोड़ा सा कम है। अगर आप दूसरे को थोड़ा सा देखोगे ना तो बड़ा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख लो तो कितना स्पेस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। तो थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन 18 लीटर इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बट अगर आप स्पेस नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हो तो एक छोटी सी लाइट दे देनी चाहिए अंदर। ये मेरा तो फीडबैक डालेंगे सर, ये बिल्कुल ये मेरा थोड़ा सा फीडबैक है। तो कुल मिला करके यही थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती हैं। और एक और चीज़, आपके दो वेरिएंट आ रहे हैं जिसमें आपका एलईडी का फर्क है खाली ना, तो एक्चुअली दो वेरिएंट में थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट को ऐसे ही रखते हो और डीलक्स वेरिएंट में थोड़े और चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो, जो कि मैंने आपको बताया अभी बैठ करके, तो फिर वो एक थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ हो जाती है, क्योंकि आज सच कोई डिफरेंस है नहीं स्कूटर में एलईडी लाइट के अलावा नॉर्मली, एग्जैक्टली। और वैसे भी 2,000 रुपये का ही डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको एक्टिवा जो है थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। वैसे आज सच कोई रीज़न है नहीं, आई लव एक्टिवा। उसके बाद अगर हम लोग आ जाए 125cc के ऊपर, तो 125cc का अगर आप लुक्स देखो अगेन, तो थोड़ा सा जो है पुराना लुक कह सकता हूँ, पुराना नहीं मतलब थोड़ा सा सिंपल लुक पसंद करेंगे लोग, वैसा लुक है, चला हर कोई सकता है। इसमें जो है आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की शिकायत जो है वो दूर हो जाती है, बट इसमें जो सबसे बड़ी शिकायत है 125cc की BS6 मोटरसाइकिल होने के बाद भी, वो ये है कि इसमें जो है आपको USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, जो कि एक थोड़ी सी कमी है। इसके अंदर आपको मिलता है अगेन 18 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसके अंदर आपको लाइट नहीं मिलती है। तो USB नहीं मिल रही है, 18 लीटर का फ्यूल टैंक मिला और लाइट भी नहीं है। वहीं अगर आप जुपिटर 125 को थोड़ा सा जा करके देखो ना, जो कि इसका कॉम्पिटिशन है अभी 125cc का, उसके अंदर आपको 32 लीटर का स्टोरेज मिल रहा है, 32 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरेज हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको लाइट मिल रही है, उसके बाद में उसी के साथ साथ आपको जो है मिलता है इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी, इसके अंदर नहीं मिलता आपको बट जुपिटर 125 में मिलता है, जो कि इसका कॉम्पिटिटर है। तो ये सारे रीज़न है, अगर आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट चाहिए, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहिए, समझ रहे, मतलब कुल मिला के ये सारी थोड़ा सा चीज़ें चाहिए, तो फिर आप ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो फिर आप जो है TVS जुपिटर को जाकर देख सकते हो। और TVS का प्रोडक्ट है तो पैसे को भी थोड़ा सा मतलब आपका बचाता है, तो आपका जो TVS जुपिटर है वो आपका एक्टिवा 125 से कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। तो मतलब समझ रहे हो, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल जाती है, लेकिन तब भी मुझे पता है लोगों की मेंटालिटी क्या है कि लंबी मजबूत चीज़ चाहिए। और यही एक मेन रीज़न है एक्टिवा का मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने का, बिकॉज ये स्कूटर आपको लॉन्ग लास्टिंग मजबूती बढ़िया एवरेज के साथ प्रोवाइड करती है इन लो मेंटेनेंस। और यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक्टिवा आज की हमारी बेस्ट स्कूटर हो जाती है, विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, विदाउट USB चार्जिंग पोर्ट एंड विदाउट एनी स्पेशल फीचर्स बेसिकली। तो ये हो गया हमारा रीज़न कि हमें क्यों एक्टिवा लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आपको एक्टिवा के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी हैं।
अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट रह गया है ना, जो कि रह नहीं गया होगा, अगर रह गया तो फिर से वाली वीडियो को एक बार देख लो और आपको एक्टिवा और एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125 लेने में आसानी होगी अगर आप लोग कोई भी स्कूटर देखना चाह रहे हो तो। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बड़े बड़े कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय। पिस्टन सलाम।